जबलपुर संभाग अंतर्गत जिला बालाघाट वनों से आच्छादित व आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जिले में नदियों का विस्तार लगभग 9,229 वर्ग किलोमीटर है, जिनमें मुख्यतः जीवनदायिनी वैनगंगा नदी समाहित है। जिले की औसत वर्षा लगभग 1,447 mm है। वर्षा की स्थिति एवं जल क्षेत्र की उपलब्धता के कारण बालाघाट जिला मत्स्य पालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस जिले में वर्तमान में मत्स्य पालन की खेती 10,000 हेक्टेयर में की जा रही है। मत्स्य पालन की अपार संभावना के चलते गुणवत्ता युक्त मत्स्य बीज का उत्पादन समस्त जल क्षेत्र को मत्स्य पालन अंतर्गत लाते हुए मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा व रोजगार के अवसर प्रदान करना विभाग का मुख्य उद्देश्य है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए शासन द्वारा 10 सितंबर 2020 से मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई, जिसमें 5 साल में अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके और साथ ही मत्स्य पालकों को सशक्त व मजबूत ढांचा प्रदान कर रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान किए जा सके। मत्स्य संपदा योजना के तहत जिले में तालाब निर्माण, इनपुट प्रदाय योजना, नवीनतम तकनीक बायोफलक के माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र को मजबूत करने हेचरी का निर्माण, संवर्धन क्षेत्र विकास, विशेष प्रकार की मत्स्य प्रजातियों का पालन जिले में किया जा रहा है। साथ ही मछलियों की गुणवत्तापूर्ण आहार तैयार करने हेतु फीड मिल की स्थापना की जा रही है। वृहद जलाशयों में केज कल्चर के माध्यम से मत्स्य उत्पादन को बढ़ाकर आय में वृद्धि के स्रोत सृजन किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत वर्तमान में बालाघाट जिले में 152 मत्स्य कृषकों के स्वयं की भूमि में तालाब का निर्माण कर 90 हेक्टेयर के जल क्षेत्र को विकसित किया गया है। तो चलिए मिलते हैं बालाघाट जिले के समृद्ध मत्स्य कृषकों से, जो कि मत्स्य पालन के साथ ही अन्य फसलों का समावेश कर अपनी आय दुगनी कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजेश रामडाले है और मैं ग्राम डोरा तहसील परसवाड़ा में रहता हूँ, जिला बालाघाट में। और मेरा यहाँ पर एक छोटा सा फार्म है जहाँ जो 17 एकड़ की जमीन में मैंने स्टार्ट किया है। तो पिछले साल से जब ये लॉकडाउन चालू हुआ, तब से मैं मेरे इस जगह में प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत पॉन्ड बनाए हैं मैंने मछली के, और इसमें मैंने पंगेशियस, आईएमसी, रूपचंदा, ये सबको यहाँ पर संग्रहण किया है, जिसमें बहुत सारी फायदे हुए, कुछ कुछ प्रॉब्लम भी आई स्टार्टिंग में, लेकिन अभी ये प्रॉफिट का क्षेत्र दिख रहा है मुझे मछली पालन। ये बहुत अच्छा मेरे लिए चयन रहा कि मैं मछली पालन की तरफ बढ़ा, और मेरे यहाँ पर के जो, और इसके अलावा मेरी इनकम बढ़ाने के लिए मैंने एग्रीकल्चर की तरफ, पोल्ट्री फार्म की तरफ ध्यान दिया और कड़कनाथ, उसके बाद मैंने सब्जियाँ भी लगाई है यहाँ पर। टमाटर है, बरबट्टी है, गोभी है, थोड़ा सा फल भी लगाया मैंने, तरबूज। और जो मछली से मेरी इनकम है, अभी तक मैंने 10 टन बेच चुका है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अंत में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, जो अभी बेरोजगारी की समस्या चल रही है और सभी युवा इससे जूझ रहे हैं, तो जो शासन ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं, जिसमें मत्स्य विभाग वाले की उससे आप जुड़ करके की आय को बढ़ा सकते हैं, और एक बहुत अच्छा जरिया है। तो ये बेरोजगारी हटाने का सबसे बड़ा एक सरकार ने जिसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरा नाम राकेश कुमरे है, मैं ग्राम जगनटोला उकवा तहसील परसवाड़ा में निवासरत हूँ, और मैंने अपने गांव में ही जो मेरी पुस्तानी लैंड है, इस पे मैंने मत्स्य संपदा योजना के तहत आधा हेक्टेयर, नील क्रांति से 1 हेक्टेयर के तहत तालाब निर्माण किया हुआ है, और इस पे मैंने पंगासियस और IMC के बीज डाला हुआ है, और जिससे मुझे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लगभग 10 से 15 लाख रुपए की मुझे इनकम हो जाएगी। इससे पहले मैं शासकीय सेवा में था, जिला पंचायत इंडोरी में मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में कार्यरत था। वो जॉब छोड़ के मैंने ये कृषि क्षेत्र चुना है, और उम्मीद करता हूँ कि मुझे अपने जितनी सरकारी नौकरी से ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पर बेहतर कर पाऊँ, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके साथ साथ मैंने पपाया लगाया हुआ है 1 एकड़ में, और 2 हेक्टेयर में मैंने तरबूज की खेती कर रहा हूँ, और साथ में हम जिंजर्स है, अदरक है, इस बार हम बारिश में प्याज लगा रहे हैं साथ में, और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो सरकारी नौकरी से ज़्यादा बेहतर मैं अपने इस कृषि क्षेत्र में कर पाऊँ।
हाँ, इसके अतिरिक्त मैं अपने गांव के जो है लगभग मेरे यहाँ डेली 15 से 20 लेबर आ रहे हैं और गांव वालों को भी मैं रोजगार दे रहा हूँ साथ। बालाघाट कलेक्टर श्री दीपक आर्य व जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती आर उमा महेश्वरी के द्वारा समय समय पर मत्स्य पालन क्षेत्र की समस्त गतिविधियों की समीक्षा कर मार्गदर्शन दिया गया व मत्स्य उद्योग को गति प्रदान की गई है।